A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 7th. The name of our topic is how you write an article. So, बच्चे articles हम कैसे लिखते हैं? ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ. Articles mainly क्या होते हैं? Like newsletter या blog post में हमारे publish होते हैं. So, a special type of writing. आपको कोई भी topic आया है, उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ राइटिंग होती है. सो इसमें हमें कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए. नंबर वन, फाइंड अ कैची टाइटल. आर्टिकल का जो टाइटल होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, मीन उसी से रिलेटेड होना चाहिए. एंड वो जो कैची टाइटल है उसको रखने से पहले आपने कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है. द टाइटल should be short, keep it short, 2 or 5 words. Number 2, focus on the target. आप एक्चुअली में क्या बताना चाह रहे हैं आर्टिकल पे, उस पर फोकस कीजिए. लाइक वट इज द आर्टिकल अबाउट. नो कम्प्लीट सेंटेंस. सेंटेंस कम्प्लीट नहीं होना चाहिए. नॉट टू मैनी डिटेल्स. इतनी ज़्यादा भी डिटेल्स आर्टिकल्स में नहीं देनी चाहिए. इवन सी बच्चा, आई हैव शोन वन एग्जाम्पल, जैसे वो थोड़ा सा मैंने लिख कर बता दिया है. तो इस तरह से जो हमारा टाइटल है वो कैची होना चाहिए. After that, our next step is organization. So organization का मतलब क्या होता है? Simply चीज़ों को organize करना. So organization में हम लोग किस पॉइंट का ध्यान रखेंगे? Try to entertain. Whatever you are writing in the article, वो आपका क्या होना चाहिए? लोगों को तो जो है आपके आर्टिकल्स के टूवर्ड्स अर्थ आकर्षित करता हो. सो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे? नंबर वन, यूज सब हेडिंग. आप उसकी कुछ सब हेडिंग लिखिएगा. नंबर टू, वर्क विद द नंबर्स एंड द बुलेट्स. लाइक आप जो भी पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके आगे आप नंबर्स डाल दीजिए या फिर बुलेट्स डाल दीजिए. एंड फोकस योर टॉपिक थीम. जो आपका टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, उसकी क्या थीम है, उसको अपने माइंड में ध्यान रखते ही आर्टिकल्स को लिखें. सो यू हैव टू ड्रॉ द रीडर इन, ताकि जो भी पर्सन आपका आर्टिकल रीड करे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. डेट बच्चा, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू टेक द केयर ऑफ द इंट्रोडक्शन एंड द एंडिंग. आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शन है वो आप बिल्कुल सही से लिखें और आर्टिकल की एंडिंग भी बहुत ही सही होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्टिकल किसी और टॉपिक पर है, आपको टॉपिक का नेम कुछ और दे दिया है और आप उसमें कुछ भी अननेसेसरी लिख रहे हैं. Then number 4, even it is the most important point of article writing, that is attention. So attention का simple meaning होता है कि हम जो भी article लिखते हैं, article लिखने का एक main purpose होता है कि मुझे लोगों को अपने article के towards क्या करना है, attention उनकी create करवानी है. So attention के लिए आपको कौन कौन से points का ध्यान रखना चाहिए? Don't put unrelated ideas in your article. अननेसेसरी कुछ भी आप ऐड ना करें आर्टिकल्स में. द रीडर शुड फॉलो योर ट्रेन ऑफ थॉट्स. अब जो आपके दिमाग में विचार आते हैं, इवन जो आर्टिकल से रिलेटेड है, आप उन्हीं सब विचारों को अपने दिमाग में रखें और फिर आप उनको लिखें. यूज़ कैजुअल इनफॉर्मल लैंग्वेज. कैजुअल और इनफॉर्मल लैंग्वेज को आप यूज़ करें. तो इस तरह से बच्चे हम आर्टिकल लिखते हैं. आर्टिकल इज ए हेल्पफुल to test the students' skills in expressing their ideas, organization of their thoughts, planning, presentation of their ideas in a chronological way, a comprehending their ideas and finally arriving at a conclusion. बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल मेनली क्या होता है, हम बच्चों की
जो आप सब बच्चे हो ना, आप सबके राइटिंग स्किल्स को चेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या आइडियाज़ हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आप उसको कैसे आपके जो उसको लेकर क्या थॉट प्रोसेस है, आप कैसे प्लान आउट करते हो, आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हो वो, और कैसे उसको कॉम्प्रीहेंड करते हो, लाइक क्या क्या पॉइंट्स आप उसमें लिखते हो, तो आर्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है स्टूडेंट्स के राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। देन फीचर्स क्या होते हैं आर्टिकल के, एन आई कैचिंग टाइटल विच अट्रैक्ट्स द रीडर्स अटेंशन एंड सजेस्ट द थीम ऑफ द आर्टिकल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आर्टिकल होता है उसका जो टाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा मतलब प्रिसाइज होना चाहिए और जो है वो कैची होना चाहिए। कैची मीन, कैची का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ हाथों में होल्ड करना, कैची का मतलब ये होता है यहाँ पर कि वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, आर्टिकल से रिलेटेड होना चाहिए। देन एन इंट्रोडक्शन विच क्लियरली शोज द टॉपिक टू बी अ कवर्ड एंड कीप्स द रीडर अटेंशन। और जिसके बारे में भी आप लिख रहे हैं एग्जैक्ट आप उसी के बारे में लिखें, ऐसा ना हो कि आपको टॉपिक में आर्टिकल जो है आप कुछ एजुकेशन या तबाकू से रिलेटेड लिख रहे हैं और बीच में आप स्पोर्ट्स का कंसेप्ट ले आए, मतलब जो टॉपिक है उसी से रेलिवेंट आपको लिखना चाहिए। द मेन बॉडी ऑफ 2 to 5 पैराग्राफ्स इन विच द टॉपिक इज़ अ फर्दर डिस्क्राइब्ड इन अ डिटेल। और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल में आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं हम कितने लिख सकते हैं, 2 या 2 से अगर ज़्यादा भी आपको लिखना है तो मैक्सिमम अप टू 5 पैराग्राफ्स तक हम आर्टिकल्स को लिख सकते हैं और उसमें एग्जैक्ट हम डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन मेनली क्या होता है, कंक्लूजन में हम जो है एग्जैक्ट एक समरी देते हैं, समराइज करते हैं कि ओवरऑल जो आर्टिकल था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, वो हम लोग एक फाइनल ओपिनियन देंगे आर्टिकल राइटिंग में। तो ये बच्चे हमारे फीचर्स होते हैं आर्टिकल राइटिंग के। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन आर्टिकल। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल क्या है, हम क्यों लिखते हैं आर्टिकल राइटिंग, इवन हम ऐसे भी करते हैं, ठीक है पैराग्राफ भी करते हैं, फिर आर्टिकल राइटिंग हम क्यों करते हैं। सो बच्चा नंबर 1 टू एक्सप्रेस अ पर्सनल ओपिनियन। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, किसी भी बच्चे की क्या पर्सनल राय है, किसी भी पर्सन की क्या पर्सनल राय है उस टॉपिक से रिलेटेड। टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए वैरायटी ऑफ ए थीम्स इन अ लॉन्ग एंड द सस्टेन पीस ऑफ ए राइटिंग। और इवन क्या जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन में कितनी चेंजेस है, मीन अगर मैं आपको बच्चे अभी एक टॉपिक दूंगी भी कि आपको ये टॉपिक खुद करना है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो टॉपिक है उस पर जो आर्टिकल आप लिखोगे एक बच्चे ने जैसा लिखा है एग्जैक्ट सेम वैसे ही दूसरा बच्चा लिखे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक पर्सन की ओपिनियन अलग अलग होती है चीज़ों को लेकर। तो सेम जब हम आर्टिकल राइटिंग भी करते हैं तो सबका थॉट प्रोसेस अलग है, कोई उस चीज़ को किस सेंस में कंसीडर कर रहा है, किस सेंस में उसको परसीव कर रहा है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा। देन टू इन्फॉर्म द पीपल, टू परसुएड देम, टू एंटरटेन देम और टू कन्विंस देम। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा आर्टिकल राइटिंग का, एक तो लोगों को इन्फॉर्म करना एग्जैक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी तंबाकू की, तो अगर हम उस पर कुछ आर्टिकल लिखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि तंबाकू के क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ठीक है। इवन लोगों को हम लोग आर्टिकल्स के थ्रू कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो सही है या गलत है, आप इसको पढ़िए और फिर समझिए। Then see बच्चा, आई हैव गिवन वन example, एडवर्टाइजिंग एज अ सोर्स ऑफ ए इंफॉर्मेशन। आर्टिकल क्या है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का। अब देखिए मैंने कैसे लिखा है, मैंने स्टार्ट किया एडवर्टाइजमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर डे टू डे लाइफ, वी सी देम इन आर न्यूज़ पेपर एंड मैगजीन, वॉच देम ऑनलाइन
पेन एंड ऑन टेलीविजन एंड लिसन टू देम ऑन द रेडियो। अगर हम लोग बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की, तो एडवर्टीजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी रोज़ की रोज़ एक्टिविटीज़ में। हम न्यूज़पेपर में से भी पढ़ते हैं, मैगजीन में भी पढ़ते हैं कई एडवर्टीजमेंट, इवन ऑनलाइन एंड भी है एडवर्टीजमेंट, टेलीविज़न और रेडियो को भी सुनते हैं। सो इट इज़ वाइल वॉचिंग द टीवी दैट वी जनरली डिसलाइक द कमर्शियल ब्रेक्स बिकॉज दे आर शोन टू ऑफन। पर अचानक से अगर हम लोग टीवी में कुछ देख रहे होते हैं तो कई बार टीवी में जो है बहुत सारी कमर्शियल ब्रेक्स आ जाती हैं और फिर वो देखकर हम लोगों को कई बार गुस्सा भी आता है, मीन हम लोग अच्छा फील नहीं करते। ऑन मोस्ट इंस्टेंसेस एड्स कैन सीम अनोइंग एंड येट अ नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट डू ऐड टू आर इंफॉर्मेशन। अगर मैं बात करूँ लाइक ये जो बीच में एड्स आती हैं, कई बार क्या होते हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होती है क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। देन सी, देखा ये बच्चे, मैंने एक फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, अब मैं सेकेंड पैराग्राफ में लिख रही हूँ। द पर्पज ऑफ द एडवर्टीजमेंट इज़ टू रीच आउट टू द मास इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल विद ए प्रोडक्ट और एन आइडिया विच मे अपील टू देम। सम एड्स टेल्स अस अबाउट द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, वेदर इट इज़ अ न्यू लॉन्च और इट्स प्राइस हैज़ चेंज्ड और इट इज़ ऑन सेल। अब अगर हम बात करें कि एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पज़ क्या है, कि ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या जिसके भी बारे में आप बताना चाह रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। तो जो एड्स हैं वो मेनली कभी कभी क्या बताती हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को भी बताती हैं, न्यू लॉन्च को भी बताती हैं कि ये प्रोडक्ट नया नया भी लॉन्च हुआ है, ठीक है, या उसकी सेल में कितना चेंजेस आ रहे हैं ये भी बताते हैं। अदर्स टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट इट्सेल्फ, मेक क्वालिटी, यूज़, यूनिक वैल्यू एसेट्रा। और कई बार ये सारे भी करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं प्रोडक्ट की कि उसकी क्या क्वालिटी है, हम किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या उसकी यूनिक वैल्यू है। सो दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन एज वी कंसीडर एंड रिकंसीडर ऑल दीज फैक्टर्स बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। तो जब हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं कि ये चीज़ मुझे ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी, कि मैं उसको कैसे ख़रीदूँगी, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी वैल्यू यूनिक क्यों है। यूनिक मतलब कि यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्राइस होता है कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से मैं कैसे डिफरेंशिएट कर रही हूँ, उसमें क्या फ़ायदे हैं। सो एडवर्टीजमेंट मेकर्स अवेयर ऑफ व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ वी शुड बाय अ प्रोडक्ट। तो एडवर्टीजमेंट क्या करती है, हमें अवेयर करती है कि कौन सी चीज़ कब, कहाँ, कैसे, क्यों मुझे लेनी चाहिए। देन देयर आर ए एडवर्टीजमेंट विच आर मोर ऑफ अ वे ऑफ ए कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपनीज, एनजीओस और द गवर्नमेंट एंड द कस्टमर्स। अब ज़रूरी नहीं है बच्चे की जो एडवर्टीजमेंट होती है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड ही हो, कई बार जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उनमें हम लोग जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एनजीओस के बारे में भी बताते हैं, गवर्नमेंट के बारे में भी बताते हैं, कंपनीज के बारे में भी बताते हैं। सो दे आर इशूड मेनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और ऐसा बताने का मेन पर्पज़ क्या होता है, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। सो सच एड्स स्प्रेड द सोशल अवेयरनेस अमंग्स द मास एंड अपील टू देयर इमोशनल ह्यूमन साइड। अब ये वाली जो एड्स होती है ना, ये मेनली क्या करते हैं, सोशल मतलब जो सोसाइटी है जहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको अवेयर करने के लिए कि ऐसे ऐसे एनजीओस भी है, तो आपको एनजीओस के साथ भी जो है कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। बच्चे एक ऐड आती है ना वो टीवी में, वो क्या कहते हैं, एक गांव सा दिखाते हैं बहुत दूर है, और वो बोलते हैं कि कुछ गांव में क्या हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं और बच्चे अगर बीमार होते हैं तो वो ठीक भी नहीं हो पाते, तो अगर पॉसिबल है तो अगर आप रोज़ का 800 रुपया उनको डोनेट करेंगे तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो लाइक वो क्या कर रहे हो, उस ऐड के थ्रू एक जो है मैसेज
प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स भी होती है कई जगहों में, तो एनजीओस वगैरह के साथ आप कॉन्टैक्ट करें। आप अगर पे कर सकते हैं तो पे करें, ताकि वो गांव भी जो है वो डेवलप हो सके। तो एडवर्टीजमेंट में हमेशा आपको ये याद रखना है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स की ही एडवर्टीजमेंट नहीं देते, कई बार जो है हम लोगों को अवेयर करने के लिए भी, उनके इमोशनल एस्पेक्ट ह्यूमन साइड की तरफ से जगाने के लिए भी कई तरह की एडवर्टीजमेंट दी जाती है। Therefore, it is a suffix to say that advertisement to some extent are a source of information. तो इसी से हमें ये पता चलता है कि जो advertisement है वो क्या है, हमारा एक source of information होता है। So बच्चे सी, इस तरह से आपको आर्टिकल लिखना होता है। देखिए, मैंने ना तो ज़्यादा ये लंबा लिखा और ना ही ज़्यादा छोटा लिखा, पर उसमें जो यूज़फुल चीज़ें मुझे लिखनी चाहिए थी मैंने सिर्फ वही कंटेंट लिया और उसी कंटेंट के बेसिस पर आर्टिकल को लिखा। ठीक है बेटा, आपको अब ये एग्जांपल से भी क्लियर होगा कि जो है आर्टिकल हम कैसे लिखते हैं। देन अब आपको क्या करना है, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट एन आर्टिकल ऑन बैन ऑन टबैको एंड नंबर टू आर्टिकल ऑन बुक्स आर आर बेस्ट कंपेनियंस। इन दोनों टॉपिक पर आपको खुद आर्टिकल लिखना है आपकी इंग्लिश नोटबुक पर। ठीक है, और बच्चे ट्राई कीजिएगा, डोंट कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा फ्रॉम द गूगल, जस्ट ट्राई टू राइट इट योरसेल्फ, यू आर इन अ 8th स्टैंडर्ड, इसको अपने आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपको आइडिया तो हो ही गया है आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इवन मैंने आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन के लिए आई हैव मेड द टू वीडियोस, इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन द फॉर्मेट एंड अगेन इन दिस वीडियो में भी मैंने क्या किया है, आई हैव गिवन द ओवरव्यू दैट व्हाट आर द फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ आर्टिकल राइटिंग विद एग्जांपल, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज स्टूडेंट गो थ्रू द वीडियो, लिसन द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश नोटबुक। यू हैव टू डू दिस टू आर्टिकल्स, नंबर वन आर्टिकल ऑन बैन ऑन टबैको एंड नंबर टू आर्टिकल ऑन बुक्स आर बेस्ट कंपेनियंस। बट इनको करने से पहले जो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी है एडवर्टीजमेंट वाली, वो भी आपको अपनी इंग्लिश की ही नोटबुक में करनी है। एंड वो जो प्रीवियस वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो से आपका जो फॉर्मेट था, इवन मैं आंसर शीट में भी आपको फॉर्मेट जो है वो भेज रही हूँ, एज सच वो सेम फॉर्मेट आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में भी बनाना है। ओके बच्चे, सो प्लीज़ ये सब काम आप कीजिएगा। इन केस इफ आई हैविंग एनी क्वेरी देन सेंड इट ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।